हे गाइस नमस्ते, मैं गजा आप सभी लोग को स्वागत करता हूँ मेरा आज का और एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज का ब्लॉग वीडियो में हम कुछ कहीं जाने वाले नहीं हैं, घर पे ही रहेंगे और घर पे रह के हम घर का कुछ काम तो नहीं है, फिर भी हम हमारा गांव का एक भाई का बाल भी काटना है और अच्छा बाल भी काट लेता हूँ मैं तो, उन्हें बाल काटना है और देखेंगे आगे क्या क्या और भी बहुत कुछ काम है वो सब काम करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए। तो हम आज बाल कटने जाते हैं, ये तावल बावल सब धर लिए और कैंची और कंघी भी पकड़ लिए हैं। अब जाना है हमें तालाब की तरफ बाल कटवाने और अब हम ये घर से निकल रहे हैं और जाके बाल भी कटाना है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और भाई एक लाइक जरूर से कीजिए। भाई हिंदी में ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ, ये तो कोई हिंदी नहीं बोलता है, तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा ब्लॉगिंग को, वीडियो को। घर वाले छोटे से तालाब में मछली दर पकड़ रहे हैं वो देखिए भाई, छोटे छोटे तालाब में बहुत बहुत मछलियाँ पकड़ते हैं। वीडियो भी थोड़ा हिल जा रहा है भाई, इतना छोटा छोटा तालाब में मछलियाँ बहुत पकड़ते हैं। अभी पानी भी वो गिरते जाता है तो मछलियाँ बहुत इधर पकड़ते हैं छोटे छोटे मछलियाँ। तो हम अभी हमारा नहाने का तालाब के पास पहुंच चुके हैं, वहीं पे हम अपना बाल भी कटवाएंगे। आगे जो एक लड़का जा रहा है उसे ही बाल काटने वाले हैं। बस पहुंच गए तालाब के पास और उस चाँव में हम बाल काटेंगे। और इस तालाब का पानी ना बहुत, बाल काटेंगे, बाल काटने के बाद इसी तालाब में नहाएंगे, नहाने के बाद घर पे जाएंगे। वीडियो को देखते रहिएगा। गेटअप होना बाकी है क्योंकि ना इसी साठ से अगर बाल काटेंगे तो बाल का वो छोटे छोटे टुकड़ा ना साठ में फंस जाते हैं, फंस जाने के बाद वो चुभते हैं भाई, इसलिए हम साठ और पैंट निकाल के बाल काटना शुरू करेंगे। बाल काटना हो गया है ख़त्म और आप देखिएगा मैं कैसा बाल काटता हूँ। मेरा भी बहुत बाल है लेकिन मुझे काटने वाला कोई नहीं है, काटेंगे दो तीन दिन के बाद में। तो पहले मेरा कटिंग देख लीजिए मैं बाल कैसा काटता हूँ, और अच्छा काटता हूँ तो कमेंट करिएगा, अगर अच्छा नहीं काटता हूँ तो भी कमेंट करिएगा। देखिए मैं बाल कैसे काटता हूँ। अभी पानी के अंदर जा रहे हैं, हम भी नहाएंगे भाई, मोबाइल के साथ जाएंगे अंदर। और गलती से भी मोबाइल अगर पानी के अंदर चला गया तो एक ही मोबाइल है मेरा, फिर वीडियो के लिए रिक्स लेना पड़ता है। अभी फिलहाल नहा चुके हैं और नहा के अब हम घर पे जा रहे हैं, घर पे जाके खाना और खाएंगे, खाने के बाद सो जाएंगे और उसके बाद और कुछ काम है तो देखेंगे करेंगे। तो अब फिलहाल जा रहे हैं घर पे। देखिए बरगद का पेड़, ये पत्ता सब
पुराना वाला जड़ चुका है और नया वाला पत्ता आ रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है भाई बरगद का पेड़। और भी ऐसा बहुत कुछ जगह है, बहुत अच्छा अच्छा जगह है, आपको दिखाएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। और ये एक सूखा हुआ तालाब है। फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और पहुंच के सब कुछ वो वेसलिंग वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं खाना खाने। तो घर में खाना है कि नहीं कुछ पता नहीं, हम खाने वाले हैं खाना। और खाने पे क्या क्या है आपको मैं दिखाने के लिए जाऊंगा। खाने पे है पेज, ये वो कांटे वाला गोभी का तरकारी, चावल, चटनी और पानी। अभी हम खाने के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए मैं खाता हूँ। तो गाइस खाना वाना सब हो गया। खाना वाना होने के बाद थोड़ा सा मैं रूम में मैं रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी मैं खेत की तरफ आया हूँ और अभी शाम को 5 बज रहा है। इधर खेत की तरफ भी कोई नहीं तो मैं खेत की तरफ आ गया। क्या है कि ना भाई, थोड़ा बहुत वो गाय बैल लोग आते हैं तो आके फसल वसल को थोड़ा खा जाते हैं, तो इसीलिए रखवाली करने आया हूँ। अभी बहुत अंधेरा होगा तो मैं चला जाऊँगा और थोड़ा समय इधर बैठे रहेंगे। और तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे और एक ब्लॉगिंग का वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। और भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट कीजिए। भाई नया नया हूँ, अगर आप अगर मुझे प्यार देंगे तो शायद मैं और कुछ नया कर सकता हूँ, इसलिए ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।